क्वेश्चन है टेन वर्स वन प्लस कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स माइनस वन। अगर आप डिग्री में करना चाहें तो डिग्री में कर लें और रेडियन में करना चाहें तो फिर तो मज़ा ही अलग है। इससे पहले कि हम कोई भी बात करें मैं आपको बता दूं टेन का मान एक होता है 45 में, मतलब पाई बाई फोर में। अगर आपको नहीं आता पाई बाई फोर से तो आप 45 डिग्री लिखिए, लेकिन करिए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा वर्तिका? कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू। अच्छा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माने क्या होता है? ये सारे फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं, तो क्या आएगा फिर वर्तिका? माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू। इतना समझ में आया? देखिए ये जुड़ जाएंगे 5π/4। इसमें से माइनस क्या ले लेंगे आयुषी? कॉमन कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इतना पढ़ाए हैं तो कुछ बोल दो। हाँ, 5π/4 माइनस π/2। लघुत्तम कितना आएगा आयुषी? 4, 2 × 4 3π/4 आपका आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? एक और सवाल है, काय को अपन ज़्यादा बार बार जाओ। 10 inverse √3 माइनस sec inverse -2। तो सबसे पहले 10 का मान करनी थी होता है 60 में, काय में होता है? 60 में होता है, तो π/3। अब आ जाते यहाँ पे sec inverse -2 का फॉर्मूला नहीं याद, तो जैसा cos वैसा से, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता? पाई माइनस कॉस, तो ये क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स टू। सही है। अब देखो ज़रा, पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स टू। अब नहीं याद कि सेक का मान 2 कब होता है, तो उल्टा कर लो, सेक इनवर्स 2 को क्या लिख लो आप? कॉस इनवर्स 1/2। अब कम से कम ये तो ये आ गया माइनस 2 पाई बाई थ्री, लघुत्तम ले लोगे ना? हाँ बताओ, कॉस का मान 1/2 कब होता है? हाँ, 60 में। 60 माने क्या होता है? पक्का? तो माइनस 2π/3 प्लस पाई बाई थ्री कितना आ गया सीजल? माइनस 2π प्लस पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री। समझे? चलो लिखो। तो वहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो ज़रा, ऐसा नहीं है कि आप पर 2 साइन इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला नहीं बनता, ये बिल्कुल नहीं है, आप पे बनता है। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप क्या करो, आप साइन इनवर्स 1/2 को क्या मान लो? थीटा। तो इसका तात्पर्य निकला कि 1/2 बराबर क्या है? साइन थीटा। तो ये सवाल कुछ ऐसा चला जाएगा वर्तिका, टेन इनवर्स 2 cos 2θ। समझ आया कि बेटा cos 2θ के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है 1 − 2 sin²θ, राइट? अब बच्चों मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि sin थीटा का मान है 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हुआ 1/4। समझ आया वर्तिका को? एक थोड़ी सी समझदारी और आपका सवाल बहुत क्या हो जाता है? सरल। अगर आप 2 साइन वर्स इसका फॉर्म लगाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। एक में से 1/2 जल्दी से घटा लें, सही जवाब। 2 × 2 क्या हो गए? 10 inverse 1। 10 का मान 1 कब होता है? π/4। क्या बच्चों को ये समझ आया? सेम क्वेश्चन को ऐसे अगर हम नहीं करना चाहें तो इससे भी सरल तरीका है। अब ये सरल तरीका क्या है? अभी लग रहा है क्योंकि पता है कि साइन वर्स 1/2 कब होता? साइन का मान 1/2 अर्पित π/6, या अपन सीधा बोल सकते 30 डिग्री। क्या बोल सकते? और कॉस 60, सही है। इसकी जगह पर 30 डिग्री क्यों लिखा? बिकॉज ये पूछ रहा है साइन का मान 1/2 कब होता है? 30 डिग्री। 30 × 2 = 60। कॉस 60 का मान कौन बताएगा?
तो दो से दो क्या हो गए, क्या आ गया 10 इनवर्स 1। 10 का मान एक कब होता है, वही 45 मतलब पाई बाई 4। तो ऐसे भी कर सकते, कर लीजिए ऐसे मानसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, शायद आपने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया है। क्या लिखा है मानसी बेटा, ये पढ़ना पड़ेगा यार। तो अब ये सवाल कुछ ऐसा है कि इसको तो हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे विथ कुमार गुड़ से, लेकिन इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। लेकिन इतना ही मुश्किल नहीं है, सवाल करने से पहले हमें समझ में आ गया कि इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर तो भाई बात ही अलग है, लेकिन अगर नहीं है तो उससे चल को यहाँ देखना पड़ेगा। साइन इनवर्स 3/5 को माना थीटा, 3/5 बराबर साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हुआ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 - 9/25 स्क्वायर कर दिया, 16/25 4/5 कॉस थीटा, 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 3/5 4/5 10 थीटा बराबर 3/4 थीटा बराबर 10 इनवर्स 3/4 थीटा बराबर 10 इनवर्स 3/4। तो अब थीटा क्या था अपना बताइए ज़रा, थीटा क्या था, साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 3/4। कई लोग इस चीज़ को डायरेक्ट भी समझ जाते हैं, 3/5 लंब है कर्ण है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये हो गया, अब अपन को जो मान निकालना है वो है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले वर्तिका अपन ने अभी अभी साइन इनवर्स 3/5 को क्या निकाला है, 10 इनवर्स 3/4, और ये है 10 इनवर्स 2/3। कौन सा गुण लगा दिया, विद कुमार गुण, पर दोनों में करना पड़ता। तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 - 3/4 इंटू 2/3। और जिसको ये फॉर्मूला ही नहीं पता बेटा वो ज़्यादा परेशान ना हो। ये हो गए स्वयं समंजक, गुड़ से अलग लघुत्तम ले लिया जाए भाई, या 3 त्रिका 4 × 8 4 × 3 = 12। अब पता है कि 3 दिन कट गए लेकिन काटेंगे नहीं, 3 × 6 4 × 3 = 12 करो भैया सीजन, 8 और 9 17 / 12 12 × 1 = 12 में से 6 गए 6/12 12 × 12 आंसर आ गया 17/6। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको, वैसे तो मैंने बता दिया है कोई बड़ी बात नहीं है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माने होता है माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस के स्टेप बढ़ाएं, सही है। अब बच्चों साइन का मान 1/2 कब होता है, 30 में पाई बाय 6 60 और 30 90, और साइन 90 मतलब या साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 1। तो इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 1। समझ आया। अब ये देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव कहाँ के हैं बेटा, एनसीईआरटी के, तो कम से कम अपन पे अब भैया ये तो बनने ही चाहिए। अब देखिए कौन बताएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स माने क्या होता है, कोई नहीं बताएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स नहीं होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स माने होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ 10 इनवर्स √3 पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 और यहाँ क्या लगेगा कोस्टर। अब बेटा 10 का मान करनी 3 60 पाई बाई 3 माइनस के यहाँ माइनस के पाई प्लस के कॉट इनवर्स करनी 3 घटा लो कंचन 2π/3 का एक माइनस। अब कॉट का मान करनी 3 30 में और नहीं है तो उल्टा कर लेना, कॉट का मान करनी 3 का होता है 30 में π/6 लघुत्तम कितना आ गया 6 आयुषी 3 × 6 2 का गुणा हो जाएगा 4π + π
माइनस थ्री पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई टू। समझ आ गया बच्चों? चलिए अगला सवाल है कि आपके सामने एक व्यंजक दिया है tan वर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। इस व्यंजक को हमें सरल करना है। क्या करना है? सरल। तो ऐसा नहीं कि इसको अपन ने सरल नहीं किया, अपन ने सरल किया है। अब भैया अपन क्या करेंगे, अंश व हर में b cos x से भाग देने पर। जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं उन्हें कर भी लिया होगा। तो देखिए यहाँ लिखा है a cos x, इसमें अपन ने काय से भाग दे दिया b cos, b sin x भाग काय से दे दिया b cos x, यहाँ b cos x, यहाँ b cos x, यहाँ बोलना पड़ेगा यार a sin x अपॉन b cos x। ऐसे अपन ने बहुत सवाल किए हैं, सुन रहे हो? ऐसे अपन चल, हाँ यहाँ पे प्लस है। अब बच्चों यहाँ पे ये कट गए, क्या आ गया? माइनस। ये भी क्या हो गए? बोलना पड़ेगा, कैंसल हो गए टेन एक्स, ये वन ए अपॉन बी टेन एक्स। अब बच्चों थोड़ा सुनना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, काय का फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x। सभी जानते हैं स्वयं समझा गुर से ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? एक तो अपने पास ये तरीका कि आप LHS ले लो, टू sin इनवर्स 3 बाई फाइव। अब क्या करना है कि 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, राइट? तो ये आया sin इनवर्स 3 बटे 5 अंडर रूट 1 माइनस 9 बटे 25। sin इनवर्स 3 बटे 5 3 बटे 5 इंटू 4/5। हाँ बेटा सिद्धि, हाँ कहाँ पे? यहाँ अंदर 2 आएगा, हाँ अंदर 2 आता है, सॉरी मेरी गलती है, भूल गया हूँ 2x। तो यहाँ भी फिर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 2/3 कितने कर दे सिद्धि? 6। तो 6/5, तो ये आ गया 24/25। वही तो मैं कह रहा, देखो मुझे याद नहीं रहता, तो ये कितना आ गया 24। पर आंसर कायम चाहिए अपन को 10 में, आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं। साइन को कायम कन्वर्ट कर लेंगे 10 में। साइन को 10 में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके, आप जो भी तरीका अच्छा लगे आपको। साइन इनवर्स 24/25 बराबर क्या माना? थीटा। तो 24/25 बराबर क्या आ गया? साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 माइनस 576 625, 49/625, 7/25। सही है, कर लोगे ऐसे? हो जाता है याद के 24 का स्क्वायर 576, 12वीं क्लास में आ गए हैं। अब टेन थीटा बराबर कौन बताएगा बेटा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कितना आ गया बेटा? 24/25। 25 से 25, टेन थीटा बराबर कितना आया वर्तिका? 24/7। थीटा बराबर बोलिए टेन इनवर्स 24/7। अगली स्टेप में थीटा का मान रख दीजिए, बताइए थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स 24/25 बराबर टेन इनवर्स 24/7। अब साइन इनवर्स 24/7 खुद किसके बराबर है? 2 साइन इनवर्स 3/5 के। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7। हेंस क्या हो गया? सवाल को करने की एक और मेथड है। इस मेथड में हमें क्या करना है कंचन, जो साइन इनवर्स 3/5 है उसको मान लेना है थीटा। तो 3/5 बराबर आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। फिर लिखना, हम जानते हैं
टेन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होता है क्या ये? नहीं होता, तो क्या होता है बताओ फिर। हाँ, जो भी होता है उसके लिए हमें टेन थीटा चाहिए पड़ेगा, तो कॉस थीटा बराबर कौन बोलेगा वर्तिका, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोल दो यार, बोलना तो पड़ेगा, बोलते जाओ। वन माइनस नौ बटे पच्चीस, सोलह बटे पच्चीस, क्या आ गया तुम्हारा कॉस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, समझ गए? ये गलत फॉर्मूला में से लेके पच्चीस यार, में ज़्यादा फॉर्मूले बता दे, पाँच से पाँच क्या हो गए, कितना आ गया तीन बटे चार। अब तुम लिखना, हम जानते हैं टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू इंटू, बोलो भैया कहाँ, तीन बटे चार, वन माइनस नौ बटे सोलह, ठीक है वर्तिका, दो एक कम दो, दो दूनी चार, तीन बटे दो वर्तिका, सात बटे सोलह, दो एक कम दो, दो अट्ठे चौबीस बटे सात, ये काय का मान है टेन टू थीटा, तो टू थीटा का मान क्या आया टेन इनवर्स चौबीस बटे सात, लेकिन थीटा तो क्या है साइन इनवर्स तीन बटे पाँच बराबर टेन इनवर्स चौबीस बटे सात, हेंस